छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हर साल की तरह इस साल भी अबूझमाड़ हाफ पीस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन में देश विदेश से 15,000 धावकों ने हिस्सा लिया। मैराथन उद्देश्य बस्तर में शांति स्थापित करना था। नारायणपुर जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर बासिंग तक 15,000 धावकों ने दौड़ लगाई। इनमें 11,000 पुरुष और 4,000 महिलाएं शामिल थी। मैराथन में प्रथम पुरस्कार 1,21,000 रखा गया था। अबूझमाड़ हाफ पीस मैराथन में शिलांग के रहने वाले दिनेश थापा ने 21 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय की और वे तीसरे अबूझमाड़ मैराथन के विजेता बने। उन्हें 1,21,000 का प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं महिला दौड़ में 1 घंटे 5 मिनट में 21 किलोमीटर की दूर तय करने वाली महिला अश्वनी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अबूझमाड़ मैराथन में दौड़ने आए लोगों के मन में बस्तर को लेकर कई ख्याल आ रहे थे, मगर यहां पहुंचने के बाद उन्हें नक्सलियों का कोई खौफ नजर नहीं आया। मैं अभी ऐसे रहने वाला श्रीलंका हूँ, मेघालय श्रीलंका। क्या पहली बार बस्तर आए हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, यहाँ पे पहली बार आया है सर। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ देख के। पहले जो सोच के आया था उस हिसाब से बहुत बढ़िया लगा सर। बस्तर के बारे में जब आप सुनते होंगे तो हमेशा नक्सलवाद की बात आती है, यहाँ आने के बाद क्या कोई डर लगा मन में? नहीं, तब से शुरू में लगा था बहुत डेंजर होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा बहुत पीस लग रहा है मेरे को। यहाँ आने के बाद इतना डरने के बाद नहीं, बहुत पीस लग रहा है। आप इंडियन आर्मी से हैं जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे बस्तर के युवाओं को? मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस जो अभी पीस है कोई डरने की बात नहीं है, अपना अपना काम करते रहो, अपना ट्रेनिंग करते रहो बस। कितने साल से आप इंडियन आर्मी में? अभी 10 साल से। यूपी पहले भी यहाँ आ चुकी जी सर। जब आपने पहली बार बस्तर आने का फैसला किया तो क्या कोई डर था मन में बस्तर को लेकर? जी सर, ये तो काफी डर था और काफी लेट भी आए थे हम, समथिंग नाइट टाइम 10 बजे आए थे। अभी आप तीसरी बार बस्तर आए हैं, क्या अंतर लगता है अभी की बस्तर में? सर पहले से तो बहुत सुधार लगता है और पहले से अच्छा भी लगा और फिर इतना डर भी नहीं था मन में। यहाँ के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि काफी भयभीत रहते हैं यहाँ के युवा नक्सल मामले को लेकर, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सभी को अच्छा करना चाहिए, बस बेस्ट करना चाहिए अपना, किसी को डरना बनना नहीं। इसके अलावा और आपने कहीं और भी मैराथन में हिस्सा लिया है? जी सर। तो उस समय क्या पोजीशन रही आपकी? जी क्या पोजीशन रही उस समय? सर ज्यादातर टॉप 3 में ही रहती हूँ। आप बेसिकली यूपी से हैं जी, यहाँ के कल्चर के बारे में क्या कहेंगे, बस्तर का कल्चर कैसा लगा? सर बस्तर में कल्चर अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा अशिक्षित लोग हैं ज्यादा हमारी साइड से, हमारी साइड बहुत शिक्षित है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि अबूझमाड़ हाफ पीस मैराथन के आयोजन से जिले को नई पहचान मिली है, लोगों में मैराथन को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने मिला है। वर्ष 2019 से हम 2020 में दो सफल आयोजन के पश्चात आज तीसरी अबूझमाड़ शांति मैराथन दौड़ का आयोजन की जा रही है। इस आयोजन में काफ़ी बड़ी संख्या में ना सिर्फ अबूझमाड़ की नारायणपुर की पर पूरा बस्तर क्षेत्र की, पूरा छत्तीसगढ़ राज्य की और भारत प्रदेश से भी और विदेश से भी लोग आकर पार्टिसिपेट किया। काफ़ी उत्साह से महिला बच्चे बुजुर्ग सब लोग इस दौड़ में पार्टिसिपेट किया और 21 किलोमीटर दौड़ने के पश्चात आज सबको जो इधर के क्षेत्रीय जो हमारा आदिवासी भाइयों बहनों से हाथों से उनके सबको सम्मानित किए गए थे, ये एक गौरव का विषय है। और इस क्षेत्र में एक नया पहचान दिलाने के लिए हमेशा अबूझमाड़ और नारायणपुर बस्तर इलाका दूसरा कारण के लिए जाना जाते हैं, लेकिन विगत 2-3 वर्षों में से जिस तरीके से सुरक्षा बल शासन प्रशासन जो कार्य किया और स्थानीय जनता का सहयोग मिला, इसी कारण से हम अबूझमाड़ की एक नया पहचान दिलाने में हम सफल हुआ। इसी पहचान को आगे ले जाने के लिए आज ये तीसरी जो सफल आयोजन हुआ, हम इस आयोजन को जितना भी हमारा शहीद जवान है इस क्षेत्र में शांति विकास और सुरक्षा के लिए अपना जान का बलिदान दिया, उसी सभी शहीद जवान को और उनके परिजन को और क्षेत्रीय नागरिक है जो हिम्मत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जितना भी जो हमारा सहयोगी है सबको हम समर्पित करते हैं। हम आशा करते हैं बहुत जल्दी इस इलाके में जो शांति व्यवस्था स्थापित होगा और अबूझमाड़ की जो संभावना है ये बाहर की दुनिया को दिखाई देगा और इस इलाके की जनता जो बाकी बाहर की दुनिया से जुड़ कर अपने विकास के लिए खुद एक रास्ता बना सकता है, इसी उद्देश्य से आयोजन किए गए थे। सर इस मैराथन दौड़ में कितने लोगों ने भाग लिया था, कहाँ कहाँ से आए थे और प्रथम इनाम क्या रखा? इस मैराथन में लगभग 15,000 लोग पंजीयन किए थे, उसमें अधिकतम लोग आज दौड़ तक नारायणपुर में सुबह 6 बजे शुरू हुआ, उसमें पार्ट शुरू होकर इधर फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचे हैं। इसमें
प्रथम पुरस्कार है 1,21,000, इसी हिसाब से कुल 7,00,000 के इनाम राशि भी बांटे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो बच्चे लोग और महिला जो एक अपना एक संदेश देने के लिए भी, एक मजबूत संदेश देने के लिए, जो आबूजबाड़ की शांति के लिए, विकास के लिए सब एकजुट हैं, इस संदेश के लिए भी कई लोग दौड़ा है। एक सकारात्मक वातावरण रहा। हम इस जो आयोजन का सफल आयोजन को पुनः मई हमारा जितना भी शहीद जवान वीर जवान जो अभी इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और जो क्षेत्रीय जो जनता है उन सबके लिए हम समर्पित करते हैं। नारायणपुर में आयोजित की गई मैराथन दौड़ बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। आयोजित दौड़ में कोरोना गाइडलाइन का विशेष ख्याल भी रखा गया था। देश टीवी के लिए नारायणपुर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट।